बारहमासी आम खाना है और 365 दिन आपको आम खाना है, तो आपके लिए तीन पौधे वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन पौधा आप लगा देते हैं ना, तो आपको हर साल 365 दिन आप आम खा सकते हैं अपने छत पे। जो छत के लिए जो सबसे अच्छा वेराइटी होता है वो तीन ऑल टाइम काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है। ये तीन अगर आप पौधा अगर आप अपने छत पर लगा देते हैं ना, तो आप 365 दिन आप आम खा सकते हैं। जो ऐसा तो बहुत सारा वेराइटी है ऑल टाइम में, जो साल में दो बार फूलता है और कोई कोई तीन बार भी फलता है, मगर जो मैं आपको तीन पौधा जो बतलाता हूँ वो साल में 3 से 4 बार फलता है, और एक फलेगा दूसरे में मंजर आएगा, दूसरा फलता है तीसरा में मंजर आता है, और काफ़ी अच्छा होता है छत के लिए, रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट पौधा माना जाता है। तो जो पहला नंबर पे वो है आपका भास्त्रा का मैंगो। भास्त्रा मैंगो काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा मैंगो माना जाता है, और छत के लिए गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा मैंगो ये भी होता है। फ्रूटिंग पकड़ने की क्षमता इसमें भी काफ़ी अच्छा है, और इसका भी फ्रूटिंग जो होता है वो गुच्छे में भी होता है, और इसका जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी लाजवाब होता है। बाकी जो भी आम होता है वो थोड़ा टेस्ट के मामले में थोड़ा मोरा अलग होता है, मगर इसका भास्त्रा का टेस्ट एकदम अच्छा होता है, आम की तरह इसका टेस्ट आता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका जो वज़न होता है वो 200 से 250 ग्राम तक इसका वज़न जाता है, और इसका मिठास भी काफ़ी अच्छा होता है, और इसका टेस्ट ऐसा माना जाता है कि जो कोटा का जो भी बारहमासी आम है सदाबहार मैंगो उसका ही सेम टू सेम इसका मिलता जुलता इसका टेस्ट आता है। तो अगर भास्त्रा मैंगो आपका ओरिजिनल प्लांट आपको लोकल नर्सरी में किधर मिलता है, तो ये प्लांट आप जरूर लगा लें अपने गार्डन में या छत पे। दूसरा नंबर है काटीमोन। काटीमोन आज के डेट में सबसे फेमस और एक अच्छा आम माना जाता है, और ये आपका भी हर नर्सरी में आपको मिल जाएगा। 100-150 से लेके आपको 500 तक ये प्लांट मिल जाता है, और साथ ही साथ देखेंगे तो इसका जो फ्रूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी साल में 3 बार तक फल देता है, और काफ़ी बेस्ट और अच्छा वेराइटी है। अभी के डेट में माना जाए तो काटीमोन काफ़ी फेमस और अच्छा वेराइटी है, और अभी हर छत पर आपको काटीमोन का एक पौधा आपको मिल जाएगा। जितना गार्डनर है, होम गार्डनर या रूफटॉप गार्डनर, उन सभी छत उनके छवि के छत पे या ज़मीन पे आपको काटीमोन का पौधा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पौधा अभी के डेट में बहुत पॉपुलर हो चुका है और बहुत अच्छा वेराइटी भी है। इसके कारण वेराइटी अच्छा होने के कारण भी इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, इसके कारण ये और ईजी मिल भी रहे अभी के डेट में। तो ये पौधा अभी के डेट में हर गार्डनर के पास है, और हर जितना गार्डनर है उनका मनपसंद पौधा अभी के डेट में माना जाता है वो है काटीमोन। काटीमोन अभी के डेट में बहुत अच्छा पौधा हो गया है ऑल टाइम में। तब अपना छत पे अगर नहीं लगाए तो काटीमोन का भी पौधा लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। अब जो तीसरा पौधा है वो है आपका बारी इलेवन। बारी इलेवन भी काफ़ी अच्छा फेमस मैंगो है। ये मैंगो बांग्लादेश का काफ़ी बेस्ट अच्छा वेराइटी माना जाता है ऑल टाइम में। ये भी साल में 3 बार इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, और इसका जो फ्रूटिंग पकड़ने की क्षमता है बाकी आम से बहुत ज़्यादा है इसका। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। इसका वज़न होता है 350 से 400 ग्राम तक इसका वज़न जाता है, और काफ़ी बेस्ट मैंगो है ये भी फ्रूटिंग के मामले में काफ़ी अच्छा होता है, और छत पर और गार्डन में आराम से इजी इसका ग्रो किया जा सकता है। तो जो मैं आपको तीन आपका किस्म का जो आम बतला रहा हूँ, ये वेराइटी काफ़ी बेस्ट और अच्छा होता है छत के लिए, गार्डनर के लिए। अगर आप छत पे या गार्डनिंग के लिए किधर भी आपको ये पौधा मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं। बारी इलेवन पौधा अभी के डेट में थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो अभी प्लांटेशन है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ये बारी इलेवन जो अभी मैंगो है ना वो अभी इंडिया में उतना जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। हो सकता है ऑनलाइन मंगा सकते हैं और लोकल नर्सरी में ट्राई करें, कोई कोई नर्सरी में प्लांट आ चुका है, क्योंकि आजकल हर नर्सरी में हर प्लांट आज के डेट में मिल जाता है जितना नया किस्म आता है। तो आप ट्राई कीजिए, बारी इलेवन मिल जाता है तो ये भी काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है, आप लगा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। तीनों में से कोई भी प्लांट लगा, अगर ये तीनों मिलता है तो आप तीनों भी लगा सकते हैं अपने छत गार्डन में। अगर ये तीनों लगा देते तो आपको 365